इन दोनों के फिजिकल और मेंटल रिफ्लेक्सेस एक दूसरे से जेनेटिकली लिंक्ड हैं। हर मंथ फीमेल की ओवरी से एक अंडा रिलीज होकर फैलोपियन ट्यूब में आता है। यदि इस अंडे को स्पर्म द्वारा फर्टिलाइज कर दिया गया तो ये जायगोट बनाता है। यहाँ पर जायगोट का निर्माण होगा और यही जायगोट आगे जाके ब्लास्टोमियर में बदलेगा, मतलब इस जायगोट के अंदर दो कोशिकाएं बनेंगी। अगर ये कोशिकाएं आपस में जुड़ी ना होकर अलग अलग हो जाती है तो दो अलग अलग शिशुओं का निर्माण होगा, दो अलग अलग बच्चों का निर्माण होगा और ऐसे बच्चे कहलाते हैं आपके क्या, आइडेंटिकल ट्विंस, जिनकी शक्लें सेम होती हैं और जिनके जेंडर भी सेम होते हैं।